अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं नवाज खान, क्लिनिक डॉक्टर। यूट्यूब चैनल से एक बार फिर आप लोगों की खिदमत में एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्लेमिक्स कंडम के बारे में बताने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, सबसे पहले तमाम दोस्तों से दरख्वास्त है कि गलत कमेंट से गुरेज करें। इसमें हम कोई ऐसी गलत बात, कोई ऐसी गलत गुफ्तगू नहीं करने वाले हैं, बल्कि सिंपली सी हम आपको बता रहे हैं कि क्लेमिक्स कंडम के बारे में, कि क्लेमिक्स कंडम जो कि बहुत ज़्यादा लोगों को आजकल ये मसला होता है, टाइमिंग का मसला होता है, और उनको फैमिली प्लानिंग के लिए अगर आप इसका इस्तेमाल करें तो वो भी कर सकते हैं। और इसके अलावा क्लेमिक्स कंडम को आप मर्दाना टाइमिंग के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये एक अच्छी कंपनी की है। क्लेमिक्स कंडम जो है, इस एक डब्बे में, इस एक बॉक्स में 3 कंडम्स होते हैं। जैसे कि आप देख ले अंदर से, इसमें ये 3 कंडम्स होते हैं। दोस्तों, इस क्लेमिक्स कंडम को ये आप देख सकते हैं कि ये आप इसका इस्तेमाल जब आप करोगे तो इसमें ये डॉट डॉट सा भी होते हैं। और इस क्लेमिक्स कंडम ने 15 से 20 मिनट तक सेक्स टाइमिंग होता है, इसको इंक्रीज कर देता है। लेकिन ये आपने इस्तेमाल भी इस तरीके से करना है कि आपने इसका, जब आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो तकरीबन 15 या 20 मिनट पहले इसको अब आपने लगा देना है। उस लगा देने के बाद आपने 15-20 मिनट तक के बाद आपने जो है बिस्तरी का अमल जो है वो शुरू करना होता है। दोस्तों, इस क्लेमिक्स कंडम को आपने जो है ये देखो, ये क्लेमिक्स कंडम परफॉर्मेक्स एक अच्छी कंपनी की है, एक मल्टीनेशनल कंपनी की है, और ये एक ज़बरदस्त चीज़ है, अच्छी क्वालिटी है। इसको अगर आप यूज़ करें जोश के मुकाबले में या किसी और कंडम्स के मुकाबले में, तो इसमें 2 फ़ायदे हैं। एक फ़ायदा तो इसमें ये है कि ये आपको टाइमिंग ज़्यादा कर देगा, आपका टाइमिंग तकरीबन, अगर आप में अपना स्टेमिना भी है तो ये आपको 15 से 20 मिनट ये देगा, और अपने आप में 5-10 मिनट स्टेमिना आप में है तो 25-30 मिनट तक आपका टाइमिंग बढ़ा सकता है। तो दोस्तों, ये रहा क्लेमिक्स कंडम के बारे में। क्लेमिक्स कंडम को आपने यूज़ कर देना है, और इसको आपने एक दफ़ा अगर प्रेमली प्लानिंग के लिए लगा देना है तो आपने एक दफ़ा टच किया तो फिर आपने इसे हटाना नहीं है, डायरेक्ट कवर कर देना है। अगर आपने दोबारा हटा दिया और फिर आप कवर कर देते हैं तो मसले पैदा हो सकते हैं। तो टच करने के बाद दोबारा आपने हटाना नहीं है और डायरेक्ट कवर कर देना है। और अगर आप कवर ना करें और फिर दूसरी साइड से या किसी, तो मसला पैदा हो सकते हैं, तो इसलिए इसको रॉप कर दें। तो यही होता है क्लेमिक्स कंडम के बारे में आपको बता दिया। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।